सबसे पहले बात अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड की। 48 घंटे में अफगान फोर्सेज ने कितने तालिबानों का किया खात्मा, किन किन प्रांतों में जारी है नाक की लड़ाई और कहां आतंकियों के हमले में बाल बाल बची टीवी 9 की टीम। तालिबान और नापाक पड़ोसी की हरकतों, हिमाकतों और साजिशों पर देखिए टॉप 9 तालिबान एक्सप्लोसिव। अफगान सेना ने 48 घंटों में तालिबान के 300 लड़ाकों को मार गिराया है। अफगान सेना ने गजनी, कंधार, हिरात, फराह में ऑपरेशन तेज कर दिया है तो जोजान, बल्ख, समानगंज, तखर में भी कई तालिबानी आतंकी ढेर हुए हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि तालिबान के जीतने पर भी उसे मान्यता नहीं देंगे। विनाश और विध्वंस की ये तस्वीरें कांधार प्रांत के डांड जिले में तालिबान के खिलाफ अफगान वायुसेना के इरादे को बयां करती हैं। अफगान एयरफोर्स के इस हमले में कम से कम 10 आतंकी मारे गए जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। तस्वीरों में तालिबानी आतंकी भागते नजर आ रहे हैं। तालिबान के दावों पर टीवी 9 भारतवर्ष ने ग्राउंड जीरो पर पूरी पड़ताल की है। हिरात के वॉर जोन का टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने रियल टाइम जायजा लिया। हिरात काबुल हाईवे पर अफगान आर्मी के साथ सुमित चौधरी की रिपोर्टिंग बेहद हैरतअंगेज है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने हिरात काबुल हाईवे की पूरी पड़ताल की। अफगान आर्मी ने इस इलाके में तालिबान के 2 कमांडर समेत 19 लड़ाकों को मार गिराया। अफगान आर्मी का कहना है कि लड़ाकों के खात्मे से तालिबान को गहरा धक्का लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी क्रूरता की हदें पार कर चुका है। अफगान सुरक्षा बलों के लिए लश्करगाह कंधार और हिरात को तालिबान से बचाना चुनौती बन गया है। दोनों ओर से रात भर गोलीबारी हुई। लश्करगाह में तालिबान जेल पर कब्जे की पूरी कोशिश में है। अफगानिस्तान के हेलमंद में तालिबान से भीषण जंग जारी है। अफगानिस्तान के उप रक्षा मंत्री ने यहां जमीनी और हवाई हमले में पिछले 24 घंटे में 75 से अधिक आतंकियों के मार गिराने का दावा किया है। इसमें तालिबान के 3 शीर्ष कमांडर भी शामिल हैं, वहीं 22 आतंकी घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान के लश्करगाह और कंधार में 3 दिन में 15 से ज्यादा नागरिकों की संघर्ष में जान गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इन जगहों पर 120 से ज्यादा नागरिक घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 34 प्रांतीय राजधानियों में से 17 को तालिबान से सीधे तौर पर खतरा है। तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। 20 साल बाद हेलमंद में तालिबान ने शरिया रेडियो शुरू किया है तो लश्करगाह नेशनल टीवी स्टेशन पर भी तालिबान का कब्जा है। अब तालिबान प्रोपेगेंडा फैलाने के साथ साथ इंटरनेशनल स्पीकर भी बुलाएगा। युद्ध के माहौल के बीच अफगानी युवाओं ने सेना में शामिल होने का जज्बा दिखाया है। काबुल सैन्य अकादमी में प्रवेश परीक्षा में 5,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। ऐसा तब है जब 14 अप्रैल से अब तक 4,000 ANDSF कर्मी मारे गए हैं जबकि 7,000 घायल हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।